हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में 18 अगस्त के एग्जाम रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में ग्रामोदय पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं आद्या शर्मा, शिव कुमार सुरमपुदी, मयंक दुबे या जतिन रावत। तो शिव कुमार सुरमपुदी ने हाल ही में ग्रामोदय पुरस्कार जीता है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी सही है। ये ITC लिमिटेड के एग्री एंड IT बिजनेस के ग्रुप हेड हैं। ग्रामोदय पुरस्कार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में रेलवे सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? ऑप्शन हैं त्रिपुरा, मणिपुर, असम या मेघालय। तो भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल का निर्माण कर रहा है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी सही है। घाट पुल का मतलब पियर ब्रिज से होता है, जिसमें ब्रिज के दोनों तरफ पोल्स होते हैं। इसे इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो यूरोप के मॉन्टेनिग्रो में स्थित ब्रिज जिसकी ऊँचाई 139 मीटर है उससे भी ऊँची हो जाएगी। ये पुल 2022 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए हैं? ऑप्शंस हैं सिक्किम, आंध्र प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी पंजाब सही है। इस योजना का नाम पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाजे, हरमल मिर्च और मांडोली केला को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं गोवा, असम, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो गोवा की पारंपरिक उत्सव की मिठाई खाजा और हरमल मिर्च और मांडोली केला, इन्हें हाल ही में GI टैग मिला है, ये गोवा से संबंधित हैं, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए गोवा सही है। गोवा के काजू फेनी और खोला लाल मिर्च को भी GI टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं जाय रियोंग, किम टोक हुन, वाल्टर राज या डाउन रेन हुन। तो हाल ही में किम टोक हुन उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं, इन्होंने जाय रियोंग की जगह ली है। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और वहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं नितिन सेट्ठी, गगन अरोड़ा, रोशन ठाकुर या जगदीश मेनन। तो नितिन सेट्ठी को खोजी पत्रकारिता मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार मिला है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए नितिन सेट्ठी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत योजना को लागू करने में अव्वल राज्य कौन है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा सही है। ये योजना 2015 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत शहरी परिवर्तन के लिए मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में औद्योगिक गलियारे का निर्माण होगा? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक सरकार औद्योगिक और वाणिज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैसूर और बिदेर के बीच एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगी, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटका सही है। ये बंगलुरु चेन्नई और बेंगलुरु मुंबई गलियारों की तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं दलाई लामा, डोनाल्ड ट्रंप, आशीष कश्यप या शशि थरूर। तो दलाई लामा ने आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए दलाई लामा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल और साइन बोर्ड पर महिला प्रतीक वाला पहला शहर कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं
इंदौर, न्यू दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर। तो अभी हाल ही में मुंबई नगर निगम ने ऐसे ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं जो नारी प्रतीक को दर्शाते हैं, जिसमें नारी को ट्रायंगुलर फ्रॉक पहने हुए दर्शाया गया है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी मुंबई सही है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।